बड़ी खबर शामिल करते हैं लैया से। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पैथोलॉजी लैब में घपले का मामला, लेबोरेटरी फीसों में खुर्दबुर्द की इंक्वायरी मुकम्मल, बड़ा घपला साबित, केस एंटी करप्शन को भिजवाने का फैसला, फौजदारी और महकमाना कार्रवाई की भी सिफारिश कर दी गई। रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट हुकाम को भिजवा दी। गड़बड़ घोटाला में मुलविस एहसानुल्लाह का अदम तावुन, लैब असिस्टेंट ने रजिस्टर, रसीद बुक्स, फाइनेंस रजिस्टर, रेवेन्यू रिकॉर्ड गायब कर दिया। मुतबादल रिकॉर्ड की मदद से तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। 59,20,000 रुपए की खुर्द बुर्द साबित। लैब असिस्टेंट एहसानुल्लाह गुज़श्ता साल 1 जनवरी से 21 सितंबर तक तायनात रहा, जिसे साबिक एमएस नियाज वसार ने गैर कानूनी चार्ज सौंपा था। घपले के शवाहिद सामने आने पर 15 फरवरी को इंक्वायरी के लिए तश्कील दी गई 3 रुकनी कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। अनस्थेजिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुलाम यासीन की सरबराही में बनाई गई 3 रुकनी कमेटी ने हुकामे बाला को भिजवाई गई रिपोर्ट में खुर्द बुर्द की गई रकम 59,00,000 रुपए रिकवर करने, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने, केस महकमा एंटी करप्शन को भेजने, लैब असिस्टेंट के खिलाफ फौजदारी और पीडा एक्ट के तहत महकमाना कार्रवाई करने की सिफारिशात कर दी। वाइस टुडे न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट wisetoday.tv। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वाइस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।